कणक की फसल गोब की हालत है, निसारे की हालत है, दो की हालत हाले कोई नहीं पहुंची और बाकी जड़ी हैं पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर है, यानी कि सिटा कढ़न की स्टेज पर कुछ पहुंची हुई है, कुछ इन अंदर सिटा बनन की स्टेज पर पहुंची हुई है। और जेडे महकमा मौसमियात वाले हैं उन्होंने खबरदार कर दिता है कि 15 तारीख तो बाद दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो ज़्यादा हो जाएगा, जिन्हों आप फुल गर्मी है जोड़ा 35-36 के उत्ते उन्होंने ये अलार्म दिता है कि 35-36 तक ये जा सकता है और ये फुल गर्मी है। हर फसल जी है ना उन्होंने हीट यूनिट चाहिए उन्हें पकन वास्ते, मैच्योर होने वास्ते। अगर गर्मी ज़्यादा पै जाए तो गंदम जी है वो आदि हीट यूनिट पूरे करके तो पकन की तरफ चली जाती है। यह मेरे को दो पौधे हैं, दोनों एको एक किले च मैं पट्टे और इन्हों का कद छोटा व्डा क्यों है और आने वाली गर्मी तो असं आपकी फसल को किमें बचा सकते हैं, अज इस मौजूद गलबात करा। मेरा नाम मुमताज हुसैन डक्कू, तुम अगली अखबार वेख रहे हो और हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो इन्हें सबसक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोज़ भी पहुँच सकन और सानू टिकटॉक से लाजमी फॉलो करो, उ शॉर्ट वीडियोज़ भी साड़ियाँ तुम वेख सकते हो। एको खेत चु लाए हुए दोवे पौधे, ये दोवें पौधे जोड़े हैं इन्हों का कद छोटा, एक का क्यों है, एक का व्डा क्यों है, एक का झंडा पता छोटा क्यों है और इनका व्डा क्यों है, सारिया चीज़ा जोड़िया हैं इस वास्ते हैं कि यह जोड़ा है ये मैं इतों उची जगह तो पट्टिया, इतने पानी भी सही नहीं पहुँचा, इतने खाद भी सही नहीं पहुँची और इतने जोड़ा है ये पौधा जोड़ा ना अपनी खुराक लै सकया और ना ही ये अपने आप को उस लैवल पर ले जा सकया, इनका विगर उवें नहीं बना, इनका इंटरनोडल डिस्टेंस जोड़ा टोरिया यह वड्डिया हैं छोटिया हैं, उनकी वजह की है कि खुराक की कमी जड़ी है, पानी की कमी जड़ी है, ये उत्ते असरअंदाज हुई। यह उस जमीन लग्या हुआ सी जिथे पानी भी ठीक मिले, खुराक भी ठीक मिली और ये अपना कद कर गया। यह मतलब ये होया कि अज के दौर मैं कुछ साइंसदानों गल करद सुन रहा कि पिछले सालों के मौसमी सूरत हाल ने गंदम का झाड़ बड़ा मुतासर किया, किमें किया कि गर्मी ज़्यादा पै गई, दाना पिचक गया, दाना व्डा नहीं होया, दाना हल्का रह गया, वजन नहीं होया। वेखो गल यह है, यह मिसाल तुहाडे सामने है, इनू इस ही मौसमी सूरत हाल के जिथे सर्दी बहुत ज़्यादा पै रही थी उस टाइम के अगर खुराक मिली है तो ये आपदी बेहतर ग्रोथ कर गया, इनू इस ही मौसमी सूरत हाल के खुराक नहीं मिली तो आपदे निसारे की तरफ चला गया जल्दी, मैच्योर हो गया जल्दी, जबकि यह इतों तक जोड़ा है ना इतों तक तुम वेख रहे हो, इनू मैं इन सिटे कढ़िया, इहदा सिटा सिर्फ इन्ना को निकला हुआ लेकिन उहदे नाल कद च वड्डा है। इस गल नूं करन दा मतलब यह होया कि जिहड़े लोग ये कह रहे हैं कि पिछले तजुर्बात तो यह साबित होंदा है कि इस टाइम दे विच असीं हथ ते हथ रख के बह जाइए जो मौसमी सूरत हाल होएगी उहदे मुताबक ही साडा झाड़ आ जाएगा, तो मैं इस गल नूं नहीं मन्नदा, मौसमी सूरत हाल साडे वस च नहीं है, इस गल नूं मैं बिल्कुल मन्ना, लेकिन असीं आदि खेतीबाड़ी नूं मैनेज कर सकते हैं, खुराक पा सकते हैं, जदीद टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करदे होए असीं आपदी जिहड़ी फसल है उहनूं हीट बर्दाश्त करन दे काबिल कर सकते हैं। हाँ कुछ वैरायटीज़ हो सकदियां जिहड़ी हीट बर्दाश्त ना करदियां होण, लेकिन मैं तुहानूं इह दसांगा कि इस टाइम के अगर तुसीं चाहते हो कि तुहाडा जनाब जिहड़ी गंदम निसारा कर चुकी है या निसारे ते आण वाली है वह हीट वेव तो बच जाए, क्योंकि 15 फरवरी तो बाद हीट बहुत ज़्यादा दस रहा 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दस रहा, तो तुसीं भाईजान 200 ml 300 ml जिहड़ा है पोटाश का स्प्रे इहदे ते करना शुरू कर, 10 दिन के वक्फे तुसीं 3 को स्प्रे करोगे तुहानूं फसल तुहानूं दसेगी कि मैं जनाब गर्मी नूं बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि जिहड़ी पोटाश है इहदे सब तो पहले गर्मी बर्दाश्त करन दी कुवत पैदा करती है, उस तो बाद दाने नूं मैच्योर करती है, दाने नूं मोटा करती है, दाने च स्टार दा लैवल जिहड़ा है वधांदी है, गोदा भरदी है और दाणा पिचकदा नहीं है, मौसमी हालात की वजह नाल टैंपरेचर की वजह नाल दाणा जिहड़ा है वो छोटा नहीं रहिंदा, दाणा बेवजन नहीं हुंदा। इहदे नाल तुसीं अगर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दोगे तो अमाइनो एसिड का फंक्शन यह है कि वह किसी भी दबाओ तो किसी भी फसल को कढ़न वास्ते मुआवन और मददगार साबित होता है, क्योंकि वह बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, ये दोनों स्प्रे तुसी बार बार करो और जदों तक जी तुहाडी गंदम है वह मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाती, दुद्ध भरा नहीं जाता, इन्हें 3 से 4 स्प्रे कर लो। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भी खर्चे वध रहे हैं, लेकिन यह है कि इनका रेट बहुत अच्छा है, अगर तुहाडी गंदम के उत्ते स्प्रे करन दा ज़्यादा खर्चा 3000-4000 और ज़्यादा आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, तो उन्हें भी तुहानू रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा और अगर तुहाडी फसल की पैदावार बेहतर बनती है तो तुसी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। इस वास्ते मौसमी सूरत हाल का मुकाबला करन दे काबिल नूं करन वास्ते पोटाश का ते अमाइनो एसिड का स्प्रे करो और इंशाल्लाह ताला साडा जिहड़ा है ये एक कानून कोई भी होंदा ना भाईजान वो टुटन वास्ते होंदा है और अज का दिन जिहड़ा है ये पिछली पूरी हिस्ट्री लिखी हुई नूं गलत साबित करन वास्ते काफ़ी है, ये वरायटी काफ़ी है, ये जमीन काफ़ी है,
और किसी टाइम भी तुम इन मैनेज करके इन बेहतर नतज लै सकते हो। पिछले तजर्बात तुम सीख लै सकते हो, सबक लै सकते हो, लेकिन उन्होंने सच मान के हथ हथ धार के बह जाना ये कोई भी अकलमंदी वाली गल नहीं है। मैं उम्मीद करना वीडियो तुहाड़े वास्ते फायदेमंद साबित होएगी। बेहद शुक्रिया।